पटेल जयंती कार्यक्रम जो है आज सबसे भव्य मूर्ति का जो है उद्घाटन बीजेपी ने अहमदाबाद में किया है, क्या लग रहा है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का एक महान नेता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सम्मान मिलना उचित था, देश का इतना सम्मान सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिला। देश का जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत मानते हैं। देश का आज़ादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा संयोग भी थे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा का अनावरण उन्मोचन हुआ। देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा। और उस स्टैचू का जो नाम हुआ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यही दुर्भाग्य का विषय है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग बोलते हैं, आज देश का कहाँ यूनिटी कहाँ है। देश का जो यूनिटी होता है, देश का जनता का यूनिटी होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका यूनिटी से ही देश का यूनिटी होता है। आज स्टैचू का जो अनावरण किया मोदी जी, देश का जो प्रधानमंत्री है, उसका हाथ पे याद देश का यूनिटी का सबसे बड़ा खतरा है। सर एक सवाल और है, बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सरकार अगर देखा जाए तो लगातार आ रही है। इस बार जो है एक सबसे बड़ी ये है कि अमित शाह जी अपनी स्ट्रेटजी के तहत अभी से काम शुरू कर दिए, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में जो है बीजेपी का फूल खिलेगा? देखिए, दो आसन भाजपा का था बंगाल में, 2014 में जो चुनाव हुआ, बंगाल का धुरीती को भी भाजपा का धुरीती नहीं थे। बंगाल का जनता भाजपा का नाम भी कभी नहीं सुना था। इस बार वो हिंदू हिंदू बोल के भाजपा में बंगाल में भी घुस गया। तभी जो दो आसन 2014 में भाजपा को मिला था, इस बार एक भी आसन भाजपा को नहीं मिलेगा। सर तीन राज्यों में चुनाव होने हैं, आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी किस तरीके से फाइट कर पाएगी और उसके रिजल्ट से क्या बीजेपी का रिजल्ट जो है आगामी 2019 का वो निर्धारित हो जाएगा? देखिए, जो पांच राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें तीन राज्यों में समाजवादी पार्टी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मध्य प्रदेश में पार्टी मजबूत है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में इतनी मजबूत पार्टी नहीं है। तो चुनाव दौरा में जो मैं गया था, मैं देखा भाजपा बुरी तरह से हार जाएंगे तीनों राज्यों में। पांचों राज्यों का चुनाव इस साल तेलंगाना, मिजोरम, वहाँ भी भाजपा नहीं जीतेगा। सर एक चीज़ आखिरी सवाल ये है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 महीने के लिए सुनवाई को टाल दिया है, अगर राम मंदिर पर कोई फैसला आता है तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी या नहीं? देखिए, जब चुनाव आते हैं ना तब राम मंदिर का मुद्दा आ जाते हैं। चुनाव खत्म हो जाते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, चुनाव का समय हम लोग यही देखा, राम मंदिर का मुद्दा आया। अरे देश का जो समस्या है, राम भगवान राम आज देश का समस्या नहीं है। देश का समस्या नौजवान का नौकरी नहीं मिल रहा है। देश का समस्या देश का कोई विकास नहीं हुआ। देश का समस्या नोटबंदी का वजह से ब्लैक मनी सब व्हाइट हो गया। देश का जो समस्या GST का वजह से आज बहुत कारोबार बंद हो गया। ये देश का समस्या है, ये जो समस्या है, ये समस्या को ज़्यादा से ध्यान नहीं दिया, ध्यान देता है रामचंद्र का बारे में। और रामचंद्र देश का जनता का मन में है। और राम मंदिर सारा देश में हजारों हजारों राम मंदिर है। एक राम मंदिर हुआ कि नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्म का मुद्दा लेके आते हैं। रामचंद्र को मानते हैं, रामचंद्र भगवान मानते हैं सब हिंदू, इसलिए चुनाव का समय राम 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 करके आते हैं। और हम लोग राम भी करते हैं कभी, जब मर जाते हैं आदमी, उनको जब स्मशान में लेके जाते हैं तब भी बोलते हैं राम नाम सत्ता है। भाजपा का विदाई होने का समय है, इसलिए वो आज ज़्यादा राम नाम शुरू किया। सर एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा सवाल है। सर इस समय एक सवाल ये भी है कि बीजेपी लगातार जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जो है अपने भाई के साथ भी हैं और इसके अलावा अपने पुत्र के साथ भी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नेताजी हम लोग का सबका नेता है। समाजवादी पार्टी नेताजी बना है, नेताजी हम लोग का संरक्षक है। नेताजी समाजवादी पार्टी छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। नेताजी समाजवादी पार्टी में है, नेताजी समाजवादी पार्टी का नेता, नेताजी समाजवादी पार्टी में रहेंगे। हम लोग नेताजी को समाजवादी पार्टी नेताजी को अलग नहीं करता है, नहीं कर सकता है। किरणमय नंदा जी के साफ तौर पर ये कहना था कि बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर मुद्दे को बार बार चुनाव के समय ही उठाती है, वही इस समय भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। पंकज मिश्रा, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।